थोड़ा चीज डाल देंगे अच्छे से, इस तरीके से सब में भर देंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा, पूजा रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम एक आप सब लोगों के लिए एक बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, वो है शिमला मिर्च की। बहुत ही सिंपल है, जितना इजी इतना खाने में बहुत ही टेस्टी है और एकदम नया होने वाला है सबके लिए, एकदम नया रेसिपी है। तो ये रेसिपी आज हम बनाते हैं अपने किचन में। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पिछले 10 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, वीडियो बनाया भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा, और मैं एक्चुअली मतलब बाहर भी थी तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो काफ़ी लोगों ने जो सब्सक्राइब कर रखे हैं उन्होंने काफ़ी हटा भी दिया काफ़ी लोगों ने, तो उनको लग रहा होगा कि मेरे वीडियो मिल नहीं रहे उनको। तो मैं चाहती हूँ कि वापस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लेकिन आज से मैं रोज़ वीडियो डालूँगी और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरह वीडियो डालते रहूँ, गैप ना हो, मतलब इस तरह और मिस ना हो। तो फ्रेंड बनी रहिए मेरे वीडियो के साथ, शुरू करते हैं आज का ये नई रेसिपी क्या है, शिमला मिर्च की एक नई रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का रेसिपी फ्रेंड। ये फ्रेंड हमने सबसे पहले 2 शिमला मिर्च लिया, कलरफुल वाले, एक लाल और एक पीला। तो अगर आपके पास ये शिमला मिर्च ना हो तब हरा भी यूज़ कर सकते हैं, हरा शिमला मिर्च से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही कम मिलता है थोड़ा सा, और मिलता है जब भी तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो मेरे पास आज ये 2 कलर की शिमला मिर्च है, आज हम इनके बनाएंगे रेसिपी। बहुत ही शानदार रेसिपी होने वाला है, बहुत ही शानदार रेसिपी है, लेकिन है बहुत सिंपल सी रेसिपी, बहुत ही जल्दी बना देंगे हम, बहुत ही जल्दी बनने वाला है, बहुत मतलब खाने में बहुत ही टेस्टी। अब अगर आपके घर में जैसे मेहमान आ रहा है या फिर आप बच्चों के लिए बना रहा है या फिर नाश्ते के लिए बना रहा है, तो ये चीज़ आप बना सकते हैं बहुत ही जल्दी, एकदम नया और नए तरीके से भी बनाएंगे। तो आपके जो घर में मेहमान को कभी बना के खिलाएंगे ना, तो आपके मेहमान ये पूछेंगे कि ये कैसे बनाए, कहाँ से बनाए, कि ये एक अलग ही चीज़ है जो खाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है, एक अलग ही चीज़ है ये, बिल्कुल नया सबके लिए होंगे, और ख़ास करके उन बच्चों को, बच्चों को भी दीजिए आप बना के ऐसे चीज़, उनको भी बिल्कुल नया लगेगा। और जो बच्चे कुछ सब्जियां नहीं खाते हो तो वो सब्जी भी आप उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो उनको भी अच्छे से दे सकते हैं ऐड करके, उनको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल अलग ही लगेगा। तो आज का ये रेसिपी है जो शुरू करते हैं। तो आज का ये रेसिपी, सबसे पहले मैं इन शिमला मिर्च को कटिंग करूँगी 2 भागों में, तो देखिए कैसे कटिंग करते हैं। अगर खास आपके पास हो ना लाल पीला शिमला मिर्च तो इनके भी बना सकते हैं और हरा के भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये रेसिपी। इस तरह से आपको सारे शिमला मिर्च को कट करना है। तो लीजिए हम यहाँ पे सारे शिमला मिर्च को काट लिया है अच्छे से, सेम प्रोसेस देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से। तो इनको हम साइड में कर देते हैं, जिसके अंदर हम टॉपिंग भरेंगे। तो पहले हम जो सब्जियां भरेंगे उस सब्जी को हम पहले काट लेते हैं, और हम यहाँ पे हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ की छोटे साइज़ के प्याज, आप चाहे तो 1 बड़े साइज़ की भी प्याज ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने 1 टमाटर लेंगे, तो और यहाँ पे थोड़ा सा हम लेंगे 4-5 हरी पत्ती वाली प्याज। तो यहाँ पे नहीं लिया हम इस टाइप के लिए जो इसमें प्याज नहीं है अभी, तो इसको हम डालेंगे। आप अगर चाहे तो इसी की जो प्याज आता है उस प्याज को भी आप छोटे छोटे काट के इसी से आप बाकी सब्जियों को बना सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, और चाहे तो पत्ती को भी डाल सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। तो आज हम पूरे को ही डालेंगे, क्योंकि आज जो ये यहाँ के प्याज है वो हम यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी प्याज है नहीं, तो हमने अलग से प्याज लिया है, तो वो हम बारीकी से काट लेंगे सबसे पहले, और इनको अभी रखते हैं। जी हमने सबके काटिंग कर लिया है बारीक बारीक, ये भी हमने जो हरे पत्ते वाले इसको भी हमने बारीक काट लिया, प्याज को भी काट लिया, टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं टॉपिंग बनाना, जो सब्जियां बनाते हैं। तो शुरू चलते हैं कढ़ाई की तरफ, थोड़ा सा गर्म होने देते हैं पैन को। तो पैन हमारा थोड़ा सा गर्म हुआ है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल यहाँ पे, और इसमें बस 2 ही चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं। इनको भी हल्का सा हमें गरम करना है तेल को, तो इसने हमारी तेल जो है गरम हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज के लिए अब हम और कुछ नहीं डालेंगे, इसे प्याज अभी शुरुआत में डाल देते हैं सबसे पहले, और इनको थोड़ा सा हिला देते हैं। प्याज को हल्का सा हम भूनेंगे पहले, क्योंकि हमने थोड़ा भून लिया है प्याज को। अब यहाँ पर हमने लहसुन काट के रखा है बारीक बारीक, बिल्कुल 7-8 लहसुन की कलियाँ हैं जो यहाँ पे हमने बारीक कट के रखा है, उसको भी हम डाल देंगे इसके साथ, भून लेंगे प्याज के साथ थोड़ी देर।
ज़्यादा नहीं भुनेंगे, पूरा ब्राउन नहीं करना हमें, थोड़ी देर भुनना है। तो लीजिए प्याज लहसुन हमारा भुन गई है अच्छे से थोड़ा सा, तो इसमें हम डाल देंगे कटी हुई टमाटर, टमाटर को भी इनके साथ भून लेंगे थोड़ी देर। तो देख लीजिए हम थोड़ा सा टमाटर को भी भून लिया है, ज़्यादा नहीं भुना, एकदम पूरा गलाना नहीं है टमाटर को, थोड़ा ही भुनना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, जो एक हमने गाजर लिया है बारीक बारीक काट लिया और हल्का सा हमने इनको सॉफ्ट कर लिया, मतलब थोड़ा सा उबाल लिया है हल्का सा, क्योंकि गाजर थोड़ा सा लेट पकती है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा उबाल लिया। अगर आपको इसके जगह छोटी टुकड़े नहीं करना है, अगर आप कद्दूकस करते हैं तो उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डाल सकते हैं कद्दूकस करके। तो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है थोड़ा सा उबाल के, ये थोड़ी उबली हुई है, और इसमें हम डाल देंगे मटर, फ्रिजन मटर है ये, तो ये भी अपने आप गल जाएगी, ये हमने उबाला नहीं है। तो इसको साथ हम थोड़ा सा मिला देते हैं अच्छे से, देखिए तो थोड़ा सा मिला दिया है, और इसमें हम डालेंगे कॉर्न, ये भी फ्रिजन वाले हैं कॉर्न भी, तो ये भी पक जाएंगे आराम से। तो इसको भी हम डाल देंगे, हमने थोड़े थोड़े ही लिया है सारे सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे हो जाता है एक साथ, काफ़ी सारे ज़्यादा लो तो ज़्यादा हो जाता है, तो हमने दो ही शिमला मिर्च लिया है, इसे हम सब्जियाँ क्वान्टिटी को बहुत कम रखा, क्योंकि एक साथ सारे सब्जियाँ मिला दो तो बहुत सारे हो जाती है। तो उसके बाद हम इसमें यहाँ पे उबली हुई चने छोले ले लिया है थोड़ा सा, इतने इतने मात्रा में हमने सारी चीज़ लिया है, तो वो भी डाल देंगे। आपके पास हो तो आप डालिए चने, वरना मत डालिए, क्योंकि हमने पहले से उबाल के रखा था सब्जी के लिए, तो हमने थोड़ा सा बचा के रखा था, तो इसको भी हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना रंगली मतलब कलरफुल सब्जियाँ है, वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, और कितनी इसमें कितनी प्रोटीन होगी, कितनी हेल्दी रेसिपी है ये, इसमें आपको पता चल जाएगा कितनी सारी चीज़ें जो है हमने डाल दिया है, बहुत ही सुंदर कलरफुल एकदम दिख रहा है। तो इस रेसिपी को बहुत ही शानदार बनाने वाला है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है ये रेसिपी, आप देखते रहिए। तो इसे सबको हम मिला देंगे इस तरीके से अच्छे से, थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया है, तो नमक को भी अच्छे से मिला देते हैं सारी सब्जियों के साथ। अभी यूज़ करेंगे आधा आलू जो उबाल के हमने रखा था, आधा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, आप चाहते एक आलू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैश करके डाल देते हैं और इनके साथ मिला देते हैं, और इसमें हम डालेंगे जो कटी हुई हमारी हरी वाली पत्ते वाली जो है प्याज, तो वो हम डाल देते हैं जो काट के रखे थे। तो इनको भी मिला देते हैं इनके साथ ही अच्छे से, सारे सब्जियों के साथ अच्छे से सबके साथ मिला देते हैं सब्जियों को। तो हमने अच्छे से इनको सब्जियों को मिला दिया है। अब इसमें हम डालेंगे सीजनिंग, जो दो चम्मच लिया है, दो चम्मच डालेंगे काफ़ी है, दो चम्मच इसमें, तो वो हम डाल देंगे। तो इनको भी अच्छे से मिला देते हैं एक बार, और इसमें हम डाल देते हैं अभी यहाँ पे हमने लिया है रेड चिली सॉस, रेड चिली सॉस जो है ये हम डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं होता, तो ये हम डाल देते हैं। और आपके पास ये नहीं हो तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं कम मात्रा में, या ज़्यादा पसंद करें तो तीखा ज़्यादा डालें, कम खाए तो कम भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं खाए बच्चों के लिए बनाना हो तो नहीं भी आप डालेंगे तो तब भी चलेगा, बिना मिर्ची के भी आप बना सकते हैं। तो इनको सबको हम एक साथ मिला देते हैं अच्छे से। तो लीजिए हमने काफ़ी सबको अच्छे से मिला दिया। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे पनीर, आप पनीर के भी डाल सकते हैं। चाप रेडी हो गई है, गैस को हम कर देते हैं बंद, बस अब बंद कर देते हैं गैस को, और यह जो हमारा स्टफिंग है रेडी हो गई। अब इसमें हम जो शिमला मिर्च काट के रखी उसमें हम भरेंगे। तो लीजिए इसमें हम अब भरेंगे सब्जियाँ जो अभी हमने बनाया है। तो सबको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे सब में, थोड़े थोड़े डालेंगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, बस इतना हमने डाल दिया है, इसमें भी हम इतने डालेंगे, बस सब में डाल देते हैं इस तरीके से। तो लीजिए हमने सब में डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तेल डाला हमने, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से हम लगा देंगे हल्का हल्का सा, सब में लगा देंगे इस तरीके से, आपको तेल ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। तो हमने तेल भी अच्छे से लगा दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी नमक, नमक भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं इसमें,
तो चलो सब में हो गए, नमक भी हमने डाल दिया है, अब इसमें भरेंगे स्टफिंग। चलिए तो भर देते हैं सब्जियाँ अच्छे से, वो डाल भर देंगे सब्जियाँ, थोड़ा सा ठूस ठूस के भर देंगे अच्छे से, क्योंकि हमने काफ़ी सारे सब्जियाँ बनाया इसी के लिए बनाया, तो इसी में अच्छे से डाल देंगे बिल्कुल। सब में भर दिया है, देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है, बहुत अच्छे से। आप चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ले लिया है, नॉनस्टिक का है ये भी, तो इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। तो बस ये हमने ऑलिव ऑयल डाल दिया है, इसको हल्का थोड़ा सा घुमा देते हैं। बस जो यहाँ पे हमने भर के रखा है कैप्सिकम शिमला मिर्च, वो हम यहाँ पे रख देंगे एक एक करके। और इनको इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे, तो हम यहाँ पे इनको ढक्कन लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बीच बीच से हमें थोड़ा सा इनको चेक भी करना है, ताकि हमारा जो ये शिमला मिर्च रेसिपी हमारे जले नहीं, तो हमें चेक भी करना है। और इनको अभी ढक के हमें पकाना है। ढक्कन हटा के देखते हैं, और इसमें पट पट की आवाज़ भी बहुत आ रही है, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी नमी रहता है शिमला मिर्च में, तो ज़्यादा पानी इसमें डालने की इससे ज़रूरत नहीं होते हैं, पर आपको ऐसा लगता है तो आप पानी भी सीटे मार सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर से, यहाँ पे इसके ऊपर से भर के थोड़ा चीज़ डाल देंगे अच्छे से। इस तरीके से सब में भर देंगे। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से भर दिया है, चीज़ भी इसके ऊपर से डाल दिया है। अब इनको गैस को बिल्कुल कम कर देंगे, अब बिल्कुल लो करके फिर इसको ढक्कन से ढक देंगे और इनको आराम से पकने देंगे। कम गैस पे बिल्कुल गैस का बिल्कुल कम कर दीजिए और इनको बिल्कुल आराम से पकने दीजिए। कम से कम 10-15 मिनट में ये पूरा जो पक के पूरा अच्छे से पक जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और पूरे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। हो सकता है 15 से कभी कभी 20 मिनट भी लग सकता है आपको, तो आप चेक भी करते रहना। और अगर जल भी जाए थोड़ा बहुत नीचे से, तभी कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, तभी इतना ही टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आपको कोई घबराने के बाद टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आराम से बनाइए इनको। तो देखिए इन्हें मैंने आप 5 मिनट बाद मैंने 5 मिनट तक थोड़ा तेज़ गैस पे पका लिया, हल्का, ज़्यादा भी तेज़ नहीं, बहुत एक कम मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कर रखा है। 5 मिनट तक पका लिया अच्छे से, और उसके बाद मैंने बिल्कुल चीज़ डालने के बाद गैस को बिल्कुल कम कर दिया है। अब इनको हम ढक के पका लेंगे 10 मिनट तक, और पका लेंगे फिर चेक कर लेंगे 10 मिनट के बाद एक बार और। तो चलिए देखते हैं, 10 हमने 15 मिनट और पका लिया है। वाओ, मार दे, ये पक गई है, बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इनको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं दबाते हुए, कितना सॉफ्ट हो गई। वाओ, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इनको किसी प्लेट में सर्व कर लेते हैं, काफ़ी सॉफ्ट हो गए। तो देख लीजिए हमने इनको सर्व कर लिया है प्लेट में, और कितना शानदार दिख रहा है, चीज़ से बहुत बढ़िया एक अच्छा नाश्ता बनी है। और अब मैं आपको और भी अच्छे से दिखा दूँ, अब देख सकते हैं कितना अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल पक गई है बहुत अच्छे से, कहीं से भी जला नहीं है। हाँ, पर नीचे नीचे थोड़ा बहुत जल जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तभी बहुत अच्छा बढ़िया टेस्ट आएगा। मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से, ये देख सकते हैं, वाओ देख सकते हैं। अब इसी तरीके से अपने घर में बनाइए फ्रेंड, मेहमान को अपने घर में, लोगों को, बच्चों को, सबको बना के खिलाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अमेजिंग है, मतलब एक नया रेसिपी है, देखने में काफ़ी सुंदर लगती है, सुंदर है। और अब इसी तरीके से बनाएं, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम चीज़ों में, कम मेहनत में, और बहुत ही सिंपल है। तो बनाइए, खाइए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। ये रेसिपी पसंद आई तो शेयर लाइक करिए फ्रेंड। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। तो लीजिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे गार्निश किया बहुत ही अच्छे तरीके से धनिया से, देखिए देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, और ये बहुत ही कम चीज़ों में, कम टाइम में बन के रेडी हो गई है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, अब इसी तरीके से अपने घर में बनाइए, खाइए फ्रेंड। मैं आपको बता दूँ, ये खाने में इतनी टेस्टी ना, आप बड़े को, बच्चों को, आपकी मेहमान को, घर में आने वाले मेहमान को, या किसी पार्टी में आप बनाइए, खाइए। इसका नाम है स्टॉक कैप्सिकम
रेसिपी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। काफ़ी आपने देखा होगा, हमने काफ़ी अच्छे से इतनी सारी चीज़ें डाले, तो कितने अच्छे हेल्दी रेसिपी है ये। बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं स्टॉप कैप्सिकम डिलीशियस रेसिपी, शानदार एकदम नया। तो बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फिर आपको कैसा लगा। पसंद आई तो शेयर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।